आज बैंकों में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के नोट बदले जाएंगे और बाकी दूसरे लोगों के नोट आज नहीं बदले जाएंगे। हालांकि बैंक खुले तो रहेंगे, लेकिन बैंक सिर्फ अपने ग्राहकों के बचे हुए काम को निपटाएंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए हम एक्सेप्शन जरूर रखेंगे। अगर कोई सीनियर सिटीजन आता है तो निश्चित तौर पे उसकी रिक्वेस्ट पे गौर किया जाएगा। साथ ही सरकार ने देश भर में 2500 पेट्रोल पंप से डेबिट कार्ड से कैश निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। सारे पेट्रोल पंप्स में जहाँ पे SBI का POS लगा होगा, वहाँ पे हर POS से वो 2000 रुपये निकाल पाएंगे। केंद्र सरकार पुराने नोटों के एक्सचेंज पर भी जल्द बैन लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि नोट एक्सचेंज की आड़ में भारी मात्रा में काला धन सफेद किया जा रहा है, इसलिए सरकार सिर्फ पुराने नोटों को सिर्फ बैंक में जमा करने तक सीमित करने पर विचार कर रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो लोग दूसरे लोगों के अकाउंट का इस्तेमाल कर ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जो लोग अपने खातों का इस्तेमाल ब्लैक को व्हाइट करने के लिए करवा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। नोट बैन के खिलाफ संसद में कल भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विपक्ष सदन में PM के बयान की मांग पर अड़ा रहा। आपको चर्चा करना चाहिए, मगर हल्ले गुल्ले में हम BJP की मांग थी कि राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद अपने बयान पर माफी मांगे। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही 21 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने आशंका जताई है कि नोट बैन जैसा कड़ा फैसला लेने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा हो सकता है। रामदेव ने कहा कि नोटों पर पाबंदी के फैसले के बाद PM मोदी आतंकियों और ड्रग माफियाओं के निशाने पर हैं। मोदी जी को पॉलिटिकल माफियाओं से, ड्रग माफियाओं से और त्रासवादी आतंकवादियों से बहुत बड़ा खतरा और उनकी जान को भी खतरा है। इसी महीने गोवा में PM मोदी ने भी ऐसी ही आशंका जताते हुए कहा था कि नोट बैन जैसे फैसले से उन्होंने कई लोगों से लड़ाई मोल ले ली है, इससे नाराज लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नोटबंदी फैसले के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर दिए जलाए गए और नारियल का प्रसाद चढ़ाया गया। दिए जलाने वाले दिल्ली के स्थानीय लोगों ने कहा कि वो केंद्र सरकार के फैसले से बेहद खुश हैं, क्योंकि सरकार का ये कदम गरीबों के हित में है। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि दिए जलाने की प्रेरणा उन्हें जी न्यूज के कार्यक्रम DNA देखकर मिली है। आप लोगों के चैनल देख के, जी न्यूज को देख के मुझे जागरूकता आई। चौधरी जी बोल रहे थे कि कोई विरोध करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा के आपराधिक मानहानि के केस में 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। कालेधन के मामले में केजरीवाल ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा का नाम लिया था। जो गवाह थे इस मुकदमे से रिलेटेड, उन गवाहों ने अपनी गवाही करवा दी है और एक लिस्ट भी फाइल की गई कोर्ट में, जिसमें बताया गया कि अरविंद केजरीवाल जी पर डेफामेशन के करीब 16 मुकदमे चल रहे हैं, तो ये ऑफेंस बार बार रिपीट किया जा रहा है। गवाहों ने अपने बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर बयान दिया है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा नोट बैन के पक्ष में हैं और सब जानते हैं कि केजरीवाल नोट बैन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए केजरीवाल ने डॉक्टर चंद्रा की इमेज खराब करने के लिए अपमान करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया और उन पर आक्षेप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अलग अलग अदालतों में कुल 17 मुकदमे चल रहे हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी, हमने सारे सबूत सौंप दिए हैं। इस मामले में बहस के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय हुई है। समर्थन के लिए अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद देता हूं। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के लिए संसद में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। ये प्रस्ताव राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर ने रखा और मांग उठाई कि सरकार पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के साथ सभी समझौते रद्द करे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने राजीव चंद्रशेखर को ये बिल पेश करने के लिए बधाई दी। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग का समर्थन करते हैं। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के उस दावे को झूठा बताया है जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की नौसेना ने उनके जल क्षेत्र में घुसी भारतीय पनडुब्बी को खदेड़कर भगाया था। पाकिस्तानी नौसेना ने दावा किया था कि भारतीय पनडुब्बी ने गलत इरादे से पाकिस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश की थी। इसके लिए पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया था। पाकिस्तान के इस दावे को सरासर झूठा करार देते हुए नौसेना ने कहा है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई और पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैला रहा है। जजों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से लौटाए गए सभी 43 नामों को दोबारा सरकार के पास भेज दिया है। नामों को खारिज करने पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि वो सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। इससे पहले जजों की नियुक्ति पर अदालत ने कहा था कि सरकार न्यायपालिका के कामकाज को ठप करा देना चाहती है। इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि कुल 78 नामों की सिफारिश में 34 को मंजूर किया गया है।
यूपी के प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल की हालत में अब सुधार है। सीएम अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। सहगल लखनऊ केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर नवनीत सहगल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हुए हैं। रिहर्सल कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सहगल वापस लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ।